अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग बनाएंगे चिकन सूप। तो चलिए हम लोग एक पॉट ले लेंगे, उसमें हम लोग ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और इसमें हम लोग डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज और प्याज को हम लोग सॉटे कर लेंगे। सो प्याज हमारी सॉटे हो जाए थोड़ी सी तो फिर उसमें हम लोग ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून जिंजर और 1/2 टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट लिया है और इसको हम लोग अच्छे से भून लेंगे। सो हमारा जब ये भुन जाएगा, हमारी प्याज थोड़ी सी गोल्डन हो जाएगी, फिर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 1 लीटर पानी। सूप के लिए हम लोग ने यहाँ पे 1 लीटर पानी लिया है। सो अगर आप कम या ज़्यादा लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 3 ग्रीन चिलीज। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज को स्लिट करके डाला है। सो ये हमारी चिलीज इसमें ऐड हो गई हैं। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे ओट्स पाउडर। यहाँ पे मैंने रोल्ड ओट्स लिए हैं और उनको मिक्सर में पीस लिया है थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दिया है ताकि हमारा सूप अच्छे से थिक हो जाए। सो ये हमारी ओट्स पाउडर इसमें ऐड हो गए हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फिर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे चिकन स्टॉक। सो यहाँ पे मैंने 1.5 क्यूब चिकन स्टॉक इसमें ऐड किया है। इसमें नमक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है तो मैंने यहाँ पे नमक नहीं डाला है। ये चिकन स्टॉक मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, आप अगर मंगाना चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। सो ये 1/2 क्यूब मैंने और डाला है। सो टोटल मैंने 1.5 क्यूब डाले हैं और 1 कप यहाँ पे मैंने चिकन लिया है। मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था और फिर उसको श्रेड कर लिया था। अब हर चीज़ को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल के, ताकि हमारा जो सूप है वो थोड़ा सा और अच्छे से थिक हो जाए। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे मैगी टेस्ट मेकर। मैगी ऐड करने से ऐसा होता है कि मतलब हमारा सूप और ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, थोड़ा सा मैगी का भी फ्लेवर आता है और चिकन का भी। सो ये बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने ये मैगी क्रश कर ली है और इसमें मैंने ऐड कर दिया है। सो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे ताकि हमारी मैगी अच्छे से गल जाए, तो फिर ये हमारा सूप रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा सूप बनके रेडी है। तो इसको ज़रूर ट्राई करें और इसको गर्मा गर्म सर्व करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।